नमस्कार दोस्तों, भारत बनाम बांग्लादेश के बीच में T20 श्रृंखला जल्दी शुरू होने वाली है। जी हां दोस्तों, भारत बनाम बांग्लादेश के बीच में टेस्ट श्रृंखला समाप्त होने के बाद अब बारी है T20I श्रृंखला की। दोस्तों हार्दिक पांड्या कप्तान नहीं है, उनकी जगह सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम का नया कप्तान घोषित किया गया है गौतम गंभीर की कोचिंग में। दोस्तों पहला T20I मुकाबला संडे के दिन 6 अक्टूबर को शाम 7 बजे से शुरू होगा। दोस्तों ये मुकाबला शुरू होने वाला है ग्वालियर के SC इंडिया क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से। भारतीय टीम की स्क्वाड आपके सामने है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में सिर्फ एक ही सीरीज खेली गई है भारत से दूर, वो भी श्रीलंका के सामने, जिसमें भारतीय टीम ने श्रीलंका को व्हाइट वॉश कर सीरीज पे अपनी फतह हासिल की थी। अब इस युवा टीम में सभी युवा खिलाड़ी है, क्योंकि रोहित और कोहली ने T20I क्रिकेट को अलविदा कह चुका है, जिसके चलते सूर्य कुमार यादव की इसी युवा टीम पर काफी बड़ी जिम्मेदारी है। एक इंटर स्क्वाड मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत के यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, उनका साथ दिया सूर्य कुमार यादव ने और रियान पराग की गेंदबाजी ने। दोस्तों अब सभी को बता दें, भारतीय टीम के युवा बल्लेबाजों का प्रदर्शन काफी अच्छा है, लेकिन दोस्तों अब भारतीय टीम के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, भारत बनाम बांग्लादेश के बीच में दूसरा टेस्ट मुकाबला 5वें दिन समाप्त हुआ और 5वें दिन भारतीय टीम ने 7 विकेटों से बांग्लादेशी टीम को इस टेस्ट मुकाबले में हरा कर रख दिया। दोस्तों बारिश के बावजूद भी भारतीय टीम के इरादे कम नहीं हुए और भारतीय टीम ने जीत कर ही दिखाया इस टेस्ट मुकाबले में। दोस्तों इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे यशस्वी जायसवाल, जहां दोनों इनिंग में इन्होंने अर्धशतक लगाया, वहीं मैन ऑफ द सीरीज रहे रविचंद्रन अश्विन। दोस्तों ये सीरीज 2-0 से भारतीय टीम ने जीती। भारतीय टीम की ये सीरीज लाजवाब थी, लेकिन अब भारतीय टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितना नंबर देंगे कमेंट बताएं। नमस्कार दोस्तों, भारत बनाम बांग्लादेश के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का अंतिम दिन शुरू हो चुका है। दोस्तों आप सभी को बता दें, अंतिम दिन बांग्लादेशी टीम को टारगेट देना था भारतीय टीम को। 23 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे बांग्लादेशी टीम के। दिन के सुबह वापस से सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए बांग्लादेश के और भारतीय टीम गेंदबाजी करने आई। दोस्तों शादमान इस्लाम व मोमिनुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मोमिनुल मात्र 2 रन बनाकर अश्विन की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और राहुल को कैच दे बैठे, जिसके चलते स्टार बल्लेबाज मोमिनुल 2 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद कप्तान शांतो आए और शादमान इस्लाम ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन कप्तान शांतो 19 रन बनाकर जाडेजा की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। मात्र 19 रन बनाकर शांतो आउट हुए। दोस्तों उनके बाद मुशफिकुर रहीम आए, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अर्धशतक लगाने के ठीक बाद शादमान इस्लाम आकाशदीप की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, एज लेकर गेंद गिरी यशस्वी जायसवाल की झोली में। 50 रन बनाकर शादमान इस्लाम 101 गेंदों में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद लीटन दास आधे ही मात्र 1 रन बनाकर जडेजा की इस गेंद पर पंत को कैच दे बैठे पीछे, मात्र 1 रन बनाकर खतरनाक बल्लेबाज लीटन दास आउट हुए। शाकिब अल हसन तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों जडेजा की इस गेंद पर एच जेबेट और सीधा सामने ही कैच लपक ली गई, जिस गलती से मुकाबले में शाकिब अल हसन 0 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद मेहंदी हसन मिराज को बुमराह ने बाहर जाती हुई गेंद रखी, एच जेबेट मेहंदी हसन मिराज व पंत ने कैच पकड़ ली, 9 रन बनाकर ये भी आउट हुए। अकेले बल्लेबाज बचे थे मुशफिकुर रहीम, जो कि भारत की तेज तरार गेंदबाजी किया। दोस्तों लेकिन उसके बाद मुशफिकुर रहीम भी 37 रन बनाकर हो गए बोल्ड और ऑल आउट हुई बांग्लादेशी टीम 146 रन पर, और भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ 55 रन चाहिए थे। दोस्तों अब सभी को बता दें, भारतीय टीम की गेंदबाजी शानदार थी। दोस्तों ऐसे में एक और बार यशस्वी जायसवाल 55 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाज थे यशस्वी जायसवाल, लेकिन रोहित शर्मा ज्यादा देर साथ नहीं बदल पाए। मेहंदी हसन मिराज की इस गेंद पर हसन महमूद को कैच दे बैठे रोहित शर्मा, 8 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन उसके बावजूद भी यशस्वी जायसवाल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रुकी नहीं मैदान पर। टारगेट छोटा था, इसीलिए उन्होंने आतंकी बल्लेबाजी की और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक लगाकर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में इस्लाम की इस गेंद पर शाकिब को कैच देकर आउट हुए जायसवाल, 51 रन बनाकर, लेकिन 99% मैच जिताकर आउट हुए जायसवाल। उनके बाद कोहली ने 29 रनों की पारी खेली और ऋषभ पंत ने 4 रनों की पारी खेली। 17वें ओवर में ही भारतीय टीम ने इस टारगेट को आसानी से पूरा कर लिया और 7 विकेटों से मुकाबला जीता। जी हां दोस्तों, किसी ने नहीं सोचा 2 दिन में भारतीय टीम ये मुकाबला जीत जाएगी, लेकिन भारतीय टीम की गेंदबाजी से लेकर भारतीय टीम की बल्लेबाजी शानदार रही। 2-0 से भारतीय टीम ने सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। शानदार जीत रही भारतीय टीम के लिए सीरीज की, लेकिन आप भारतीय टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितना नंबर देंगे कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, भारत बनाम बांग्लादेश के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का अंतिम दिन बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। दोस्तों आप सभी को बता दें, भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मुकाबले को जीतने के लिए अपने 4वें दिन नाकाम कोशिश की है, जहां शुरुआती दिन बारिश के कारण बुरी तरह से रद्द हो गए, वहीं 14 दिन भारतीय टीम ने शानदार गेंदबाजी की और शानदार बल्लेबाजी की। दोस्तों भारतीय टीम ने बांग्लादेशी टीम को 233 रन पर ऑल आउट कर दिया। फिर भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए आई और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, तेजी से गेंद बल्लेबाजी की। 285 रन पर भारतीय टीम ने डिक्लेयर किया 9 विकेट खोकर 250 रन का लीड
लेकर चल रही थी भारतीय टीम बांग्लादेश से। तो वहीं बांग्लादेश को 50 रन पूरे कर भारतीय टीम को टारगेट देना था और सिर्फ 11 ही ओवर दे। 11 ओवर में 26 रन लगा चुकी थी बांग्लादेश की टीम। 2 विकेट खोकर और 26 रन का ट्रायल अभी भी बाकी था बांग्लादेश के पास और यहां पर 14 दिन समाप्त हुआ। आज सुबह शुरू हुआ पांचवां दिन। पांचवें दिन बांग्लादेशी टीम को 26 रन का ट्रायल पूरा कर भारतीय टीम को लीड देना था, लीड देकर टारगेट देना था और भारतीय टीम आने वाली थी बल्लेबाजी करने के लिए उतने टारगेट का पीछा करने के लिए, जो कि एक मुश्किल सी बात है क्योंकि सिर्फ एक ही दिन में 80 से 90 ओवर होते हैं। अगर इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम 35 से 40 ओवर बल्लेबाजी भी कर लेती है तो भारतीय टीम को लिए टारगेट अचीव करना यानी कि टारगेट पूरा करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर भी भारतीय टीम ने 2 दिनों में जो कारनामा कर दिखाया है वो काबिले तारीफ है। भारतीय टीम ने हर वो नाकाम कोशिश की है जिससे वो इस टेस्ट मुकाबले को जीत सके। लेकिन दोस्तों आप भारतीय टीम के इस काम को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चाहे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बुमराह को अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि भारत बनाम बांग्लादेश के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का 14 दिन शानदार रहा। भारतीय टीम ने कई महारिकॉर्ड बनाए जहां भारतीय टीम ने बांग्लादेशी टीम को बेहतरीन तरीके से अपनी गेंदबाजी के जाल में फंसाया और सिर्फ 233 रन पर ही पूरी भारतीय टीम ने बांग्लादेशी टीम को ऑल आउट कर रख दिया। सिर्फ मोमिनुल्लाह के लिए बल्लेबाज से जिन्होंने शतक लगाया था 233 रन लगाए थे बांग्लादेश ने। ऐसे में जब भारतीय टीम आई पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए 14 दिन तो यशस्वी जायसवाल व रोहित शर्मा ने इतिहास रचा टेस्ट क्रिकेट का। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के पन्ने बदल कर रख दिए रोहित शर्मा और जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी ने। मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा इन दोनों ने जहां इन्होंने चौके और छक्के ना लगाए हो। शुरुआती सिर्फ 18 गेंदों पर 50 रन जड़ दिए जायसवाल और रोहित ने मिलकर, जिसमें रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ 3 छक्के व जायसवाल ने 2 छक्के जड़े। जायसवाल तो T20 की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा इन दोनों ने जहां बल्लेबाजी ना की हो। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में जायसवाल ने देखते ही देखते मात्र 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जायसवाल की बल्लेबाजी खतरनाक हो रही थी लेकिन रोहित ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। मेहंदी हसन मिराज की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, अंतरात्वी गेंद पर बोल्ड होकर रह गए, जिसके चलते कप्तान रोहित शर्मा की पहली विकेट मिली बांग्लादेश को। 23 रन बनाकर 11 गेंदों में विराट कोहली से पहले ही रोहित शर्मा आउट हुए। दोस्तों उसके बाद शुभमन गिल भी काफी अच्छा साथ दे रहे थे लेकिन वो भी बाहर जाने वाली इस गेंद पर सीधा कैच से बैठे और आउट हुए। गिल ने 39 रन लगाए 36 गेंदों पर, एक अच्छी पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन उसके बावजूद भी यशस्वी जायसवाल काफी अच्छी हुआ, काफी लाजवाब हुआ, काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 72 रनों तक पहुंच चुके थे सिर्फ 51 गेंदों पर। तब जाकर हसन महमूद की इस गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए यशस्वी जायसवाल। 72 रन बनाकर जायसवाल 51 गेंदों में ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हुए। 150 रन पर 3 विकेट भारतीय टीम के गिर चुके हैं। मैदान पर विराट कोहली और ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। शाकिब अल हसन की इस गेंद को सीधा मिड ऑन पे खड़े फील्डर के हाथों में मार बैठे, जिसके चलते ऋषभ पंत 9 रन बनाकर आउट हुए शाकिब के हाथों। दोस्तों उसके बाद विराट कोहली के साथ जडेजा साथ देने आए लेकिन विराट कोहली जो कि खेल रहे थे 47 रन पर, वो भी मेहंदी हसन मिराज की इस गेंद को पढ़ नहीं पाया और क्लीन बोल्ड हुए 47 रन बनाकर विराट कोहली। उसके बाद KL राहुल ने काफी अच्छी पारी खेली। 200 सिंगल डबल के चलते KL राहुल ने